हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बीजी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चटपटा और यूनिक स्टफ्ड कटहल की रेसिपी। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कटहल का कोवा। ये कच्चे कटहल का कोवा है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे हम पहले 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद नाइफ के हेल्प से इस तरह से हमें एक तरफ इसका कट लगाएंगे और इसका बीज को अलग कर लेंगे कुछ इस तरह से। एक बार और देख लेते हैं, कोआ को लेंगे और एक तरफ से हम इसका कट लगाएंगे और बीज को इसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे बीज को कटहल में से अलग कर लेंगे। उसके बाद एक बर्तन में हम पानी लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और कटहल को, और पानी में एक उबाल आने तक हमें कोआ को पकाना है। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। इस तरह करने से हमारा कटहल का ये जो कोआ है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। जब तक ये ठंडा होता है हम इसमें स्टफ करने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में हम लेंगे तेल, एक बड़ा चम्मच तेल, मैंने यहाँ पे सरसों तेल लिया है, आधा छोटा चम्मच राई, करी लीव्स, मैंने यहाँ पे सूखा करी लीव्स यूज़ किया है, एक मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ। इन सबको हम थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके जगह आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ आलू, जिसे मैश कर लिया है। ये 4 मीडियम साइज आलू है, जिसे बॉयल करके मैश कर लेना है। हम इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे एक कलर वाला लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, हरी मिर्च, तीखापन आप जैसा खाते हैं उसके हिसाब से, नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, रोस्टेड मूंगफली, इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और एक बार इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। अभी कटहल के कोवा को लेंगे इस तरह से और इसके अंदर हम स्टफिंग को भरेंगे। उसके बाद इसको हम दबाते हुए इसमें हम पैक कर देंगे इस तरह से। एक बार फिर देख लेते हैं। इस तरह से हम कटहल का कोवा को लेंगे और इसके अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे और इसे हम हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे कोआ को रेडी कर लेंगे। अब हम कटहल को कोट करने के लिए इसका कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप बेसन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिए कि स्टफिंग में भी नमक है, कोटिंग में थोड़ा सा नमक रहेगा, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हम बैटर तैयार करेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी ना डाले तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा, कुछ इस तरह से हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसके बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद एक एक कोवा को इस तरह से हम बैटर में डीप करके कोट करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम एक एक करके कोवा को तेल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए। देखिए, ये बनके रेडी हो चुका है। उसी तरह से हम बाकी सारे को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको आज की मेरी ये यूनिक रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक्स्ट्रा ये जो बेसन का जो ड्रॉप तेल में गिर जाता है उसे हम निकाल लेंगे।
मुझे स्टफिंग बनाते समय एक गलती हो गई थी, जो मैंने इसमें रोस्टेड बादाम का यूज़ किया था उसे मुझे थोड़ा दरदरा कूट लेना चाहिए था। जब मैं इसमें स्टफ़ कर रही थी तब बादाम अलग हो जा रहा था, यानी जब आप इसमें बनाएं तो आप बादाम को थोड़ा कूट लें। ये देखिए, ये बन के रेडी हो चुका है। चलिए इसकी बढ़िया सी एक प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस बार इस बारिश में इसे आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।